हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका किचन जोन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट सा, क्रीमी सा, सिल्की सा, बहुत बहुत टेस्टी चॉकलेट सॉस की रेसिपी। लेकिन इस सॉस को बनाने के लिए ना तो हमको चाहिए चॉकलेट और ना ही हमको चाहिए कोको पाउडर। तो आप सोचेंगे बिना चॉकलेट बिना कोको पाउडर के हम सॉस बनाएंगे कैसे? तो आज की वीडियो को देखने के बाद में आपका दिल खुश होने वाला है। बिना चॉकलेट बिना कोको पाउडर के सिर्फ और सिर्फ घर में रखे सामान से हम बनाएंगे ये टेस्टी सा होममेड चॉकलेट सॉस। और इस सॉस को बना के फ्रिज में रख दीजिए, महीने भर बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की होममेड चॉकलेट सॉस की रेसिपी को। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक पैन, अभी गैस को ऑन नहीं करेंगे। इसमें डाल देंगे हम मिठास के लिए आधा कप चीनी, नाप में क्या है 50 ग्राम मैंने चीनी ली है। आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। अब जिस कप से मैंने चीनी ली थी ना उसी के नाप से हम डाल देंगे इसमें आधा कप पानी। अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। तो मैंने यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी ली है, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकते हैं। इसको डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है, अब इसको अच्छे से मिला देते हैं ताकि जो चीनी है पानी मेल्ट हो जाए और जो कॉफ़ी का जो फ्लेवर है ना पानी में अच्छे से आ जाए। तो मिला देते हैं इसको। और ये देखिए जो चीनी थी मैंने इसको अच्छे से मिलाते हुए मेल्ट कर दिया पानी के अंदर, पानी भी हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है और कॉफ़ी की बहुत अच्छी महक भी आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक इसमें एक तार की जो चाशनी होती है ना वो बनना शुरू ना हो जाए। 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएगा, तब तक इसको हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ताकि इसमें एक तार की चाशनी बन जाए। और जब तक ये पक रहा है हम देख लेते हैं बिना चॉकलेट बिना कोको पाउडर के हम चॉकलेट सॉस बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट क्रीम बिस्किट, तो आज हम इसी से बनाएंगे बहुत टेस्टी सा चॉकलेट सॉस। तो मैंने यहाँ पे बर्बन का बिस्किट यूज़ किया है, किसी ब्रांड का बिस्किट ले सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप जब मन चाहे इसको बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे छोटा मिक्सी का जार, क्योंकि हम इसका आधा पैक यूज़ करेंगे। ये जो पैक है बड़ा वाला है, आपके पास छोटा पैक है तो आप वो भी ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे ब्रांड का बिस्किट यूज़ करें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने बिस्किट को डाल दिया है, अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेते हैं। और ये देखिए मैंने बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना के पीसना है इसको। कोई भी बिस्किट के टुकड़े नहीं होने चाहिए इसमें, नहीं तो आपका जो सॉस है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं, अपनी चाशनी को भी देख लेते हैं। और यहाँ भी जो चाशनी थी 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है, ऐसा नहीं था छोड़ दिया था, 3-4 बार चला भी दिया था। तो यहाँ पे जो चाशनी अच्छे से पक गई है, अब हम चेक कर लेंगे कि इसमें एक तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हल्का ठंडा कर लेंगे कलछे में निकाल के, गरम गरम बिल्कुल नहीं छुएंगे नहीं तो उंगली जल जाएगी। और यहाँ चाशनी को मैंने हल्का ठंडा कर लिया है, छूने लायक हो गया, चेक कर लेते हैं कि तार बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये देखिए दो उंगली बीच में रख रहे हैं, दबा रहे, देखिए तार बन रहा है ना। अगर आपको लगता है तार नहीं बन रहा है तो आप इसको पका लीजिएगा, क्योंकि तार बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने सॉस के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इसमें शाइन लाने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच बटर का। मैंने यहाँ पे टेस्ट को बढ़ाने के लिए अमूल का बटर लिया है, अगर आपके पास अमूल का बटर नहीं है तो आप कोई बटर ले सकते हैं, साथ ही साथ देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको देसी घी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब हम चाशनी को नहीं पकाएंगे क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है। अगर आप इसको और पकाएंगे चाशनी ठंडी होने के बाद पैन में जम जाएगी तो आपका सॉस ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो ये देखिए बटर मेल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आपने खोलती खोलती चाशनी में बिस्किट को डाल दिया तो बिस्किट पर बहुत सारे लम्स पड़ जाएंगे, तो वो काम हमें नहीं करना है। तो ये देखिए कितना क्रीमी सॉस हमारा बनकर तैयार हो गया है, हल्का ठंडा कर लेते हैं इसको मिलाते हुए। तो यहाँ कुछ सेकंड हो गए हैं, मैंने सॉस को हल्का सा ठंडा कर लिया, पूरा ठंडा नहीं किया है क्योंकि अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, गैस ऑन करने का काम ख़त्म हो गया है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, बटर मिल गया है। अब हम हल्के हल्के हाथों से जो हमने बिस्किट का पाउडर बना के रखा था ना वो डाल देंगे, ये देखिए। अब इसको फटाफट मिला देंगे, और यहाँ पे आप फटाफट मिलाइएगा क्योंकि चाशनी बहुत थिक है तो जम जाएगी। इसको अच्छे से मिला देते हैं हम। बहुत यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है, आपको कुछ बनाना है चॉकलेट जैसा, बच्चों को खिलाना है या ख़ुद भी खाना है, तो आप बिना चॉकलेट बिना कोको पाउडर के भी काम चला सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला देंगे इसके साथ में, ताकि सारी चाशनी जो है बिस्किट के पाउडर के अंदर घुल मिल जाए। तो ये देखिए बिस्किट जितना है अच्छे से सोख कर लिया इसने चाशनी को। अब इसको हल्का सा पतला करने के लिए, सॉसी करने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध। दूध आपको फ्रिज का ठंडा ठंडा नहीं लेना है, दूध को अच्छे से उबाल लीजिए उसके बाद डालिएगा, क्योंकि अभी हम गैस को ऑन नहीं करना है हमको। इसको अच्छे से मिला देंगे,
और ये देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको खूब मिलाया था ताकि कोई लम्स कोई गांठे ना रहे। तो ये हमारा बिना चॉकलेट बिना कोको पाउडर का होममेड चॉकलेट सॉस बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा, शाइनी सा हो जाएगा और कलर भी बिल्कुल बिस्किट जैसा होता है ना बिल्कुल वैसे कलर में आ जाएगा, हल्का डार्क सा हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आधा घंटा हो गया था, तो आधे घंटे बाद मैंने चॉकलेट सॉस को फिर से निकाल लिया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी कितना शाइनी सा हो गया है और एग्जैक्टली जैसे बिस्किट का कलर था ना बिल्कुल वैसे ही हो गया है। सॉस को अब जितने दिन तक फ्रिज में रखेंगे उतना कलर डार्क होता जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बच्चों को टोस्ट में लगा खिलाइए, दूध में डाल के पिलाइए, केक की आइसिंग करिए, जो मन चाहे आप कर सकते हैं। बहुत यमी लगता है खाने में, 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। इस सॉस को आप बना लीजिए, बनाने के बाद में ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसको फिल कर दीजिए कांच के जार में और स्टोर कर लीजिए फ्रिज में। फ्रिज में रखिएगा, ख़राब नहीं होगा 1 महीने तक। 1 महीने तक आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर करें, साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।